से लोग आके इस फिल्म इन फिल्मों को देखेंगे और मतलब एक एक्सपोजर, अलग किस्म का एक्सपोजर भी मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मीडिया जितना बड़ा है तो मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों तक पहुंच भी रहे हैं ये फेस्टिवल्स और जो फिल्में दिखाई जा रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सर, वो जो हॉलीवुड के लोग बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखते हैं, बड़ा हिस्सा के साइज में या इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री का बहुत एक पार्ट है, आप क्या कुछ चेंज देखना चाहते हैं आप इंडस्ट्री में? अगर बात करें, चेंज हो रहा है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कंटेंट टुडे इज रूलिंग, यू नो, फिल्म्स, सम ऑफ द फिल्म्स व्हिच डोंट रियली बोस्ट ऑफ बिग स्टार्स, इवन दे आर डूइंग वेल, दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड। कंटेंट इज प्लेइंग अ बिग पार्ट, इन फैक्ट इन टुडेज टाइम्स आई वुड से कंटेंट इज द किंग। ऑफ कोर्स द स्टार्स also rule the roost, but today, thanks to various avenues of entertainment where films are concerned, you know, everybody gets to see international cinema, and within every filmmaker there is a competitive spirit, and everybody tries to outdo each other, which is good and healthy. Today there are less filmmakers who are doing just formula oriented films, which again is a good sign, and such festivals bring different kind of films. They definitely inspire several filmmakers, and I hope this continues so that many more filmmakers get to see various countries, various languages, films made in different languages, and I hope the trend continues. आ रही है, मतलब मेरे ज़माने में भी थी वुमेन ओरिएंटेड फिल्में। अब जैसे वो सात दिन एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी, वो सात दिन एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी। मैंने काफ़ी फिल्में, प्रेम रोग, आहिस्ता आहिस्ता, मेरे ज़माने में उस किस्म की फिल्में भी थी, अभी भी आ रही हैं, अभी भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अब जैसे खूबसूरत, मर्दानी, ये सारी फिल्में वुमेन ओरिएंटेड हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि क्या बदलाव लाना चाहेंगे, बदलाव तो होता ही है, परिवर्तन तो होता ही है हर एस्पेक्ट में, तो ये नियम ही है बेसिकली। और हर चेंज के साथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें भी चेंज करना चाहिए। तो सिनेमा भी चेंज हो रहा है, कहानियाँ चेंज हो रही हैं, कंटेंट, जैसे इन्होंने कहा बोनी जी ने, तो ये सब चीज़ें हो रही है। और ऑडियंस भी अभी बहुत इंटेलिजेंट हो रही है, आप ऑडियंसिस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो अच्छी फिल्में आ रही, इंटेलिजेंट फिल्में आ रही, आप अगर इंटेलिजेंट ऑडियंसेस को आप केटर करेंगे तो आपको उस किस्म की फिल्में भी बनानी पड़ेंगी, सेंसिबल फिल्में, इंटेलिजेंट फिल्में। एंड यू सी, अर्लियर आल्सो वी हैड वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स, एंड द ट्रेंड कंटिन्यूज। टुडे मे बी द नंबर ऑफ फिल्म्स व्हिच आर वुमेन ओरिएंटेड मे बी मोर, इट्स थैंक्स टू द अवेकनिंग ऑफ द ऑडियंसेस ऑल अक्रॉस, एंड आई होप दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। नहीं, मैं देखने नहीं गया हूँ, पर मैं मेरी शुभ दुआ है, मेरी भगवान से प्रार्थना है, दुआ तो गलत है, मैं बहुत छोटा हूँ, उनसे गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, हमारी प्रार्थना है कि उनको सुख शांति मिले, जो हेल्थ उनकी जितने जल्दी सुधरा वो बेहतर है, बिकॉज ही इज़ अ जेम, एंड इंडस्ट्री ने काफ़ी अब तक उनको सराहा है, और मैं समझता हूँ सबकी गुड विशेस उनके साथ हैं, और ही विल रिकवर सून एंड कम आउट ऑफ हॉस्पिटल सून। यही कि बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं शशि अंकल।